कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कि क्या क्या चीजें इससे बारीक क्या क्या होती है। तो RCCAD जो है वो एक पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक प्लगइन है। क्या है वो? एक प्लगइन है जो AutoCAD के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है, AutoCAD के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। काम क्या है उसका? उसका काम है कि आपके पास अगर कोई मान लीजिए स्टेट प्रो का कोई रिजल्ट आया है या ETAP का कोई रिजल्ट आया है कि इस बीम में 12 mm के इतने बार्स, 10 mm के इतने बार्स बॉटम में और टॉप में लगने वाले हैं। अब उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाना है। तो कुछ कंपनियां तो RCBC यूज करती हैं और कुछ कंपनियां AutoCAD के अंदर ही RCCAD इंस्टॉल करवा देती हैं, जिसके अंदर सिर्फ वहां पे वैल्यू पुट करना पड़ता है, बताना पड़ता है रेनफोर्समेंट, वो प्रॉपर आपको ड्राइंग बना के दे देता है RCCAD। इतना ही नहीं, ये चीज आप उसके लिए कॉलम के लिए भी कर सकते हो, फुटिंग के लिए भी कर सकते हो, आप प्रॉपर स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ RCCAD। काफी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और एक घंटे में सीखने वाला सॉफ्टवेयर। अगर थोड़ा सा फोकस कर देंगे अच्छे तरीके से, अगर आपको AutoCAD आता है, एक घंटे में आप सीख जाएंगे सॉफ्टवेयर को। इतना इजी सॉफ्टवेयर है, बट हमें पता नहीं रहता तो कोई कुछ पूछ लिया इसके बारे में RCCAD ये क्या होता है। अब सोचो एक घंटे दो घंटे में अगर सीखने वाला सॉफ्टवेयर है तो सबको सीख रखना चाहिए। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको चला सकते हैं अपने AutoCAD के अंदर ही, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके प्रॉपर उसके अंदर बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब सबका रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ उसका BOQ निकाल सकते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी प्रॉपर निकल जाएगा भाई, कितना कितना क्या लगने वाला है, BVS निकल जाएगा, मींस ओवरऑल डिटेलिंग्स। वैसे तो आप सबने देखा होगा YouTube पे बहुत ढेर सारे ट्यूटोरियल्स, बट पता नहीं कि वो लोग एक्सप्लेन नहीं करते उसमें कि कैसे किया, तो वो लोग सिर्फ म्यूजिक चला देते बैकग्राउंड में। तो आपने देखा होगा कि बीम है, उस बीम के अंदर AutoCAD में ही ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट डालने हैं, और आप सोचते हो, पहले मैं भी सोचता था, आज से 4-5 साल पहले मैं भी सोचता था, ये होता कैसे, ये अचानक से कैसे कर दे रहे। तो फिर जब मैंने RCCAD को देखा तो मैंने कहा अच्छा ये है इसका। तो फिर बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसके बारे में, आपको RCCAD के बारे में बताऊंगा, और आज फाइनली मुझे टाइम लगा तो मैंने कहा चलो आज RCCAD के बारे में आपको बताते हैं। इस तरीके से ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते हैं इस चैनल पे। जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं, वो सब मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, और कोई ना कोई मेरे टेलीग्राम से मेरे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जुड़े हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा कि आज एक बेहतरीन टाइम है, सामने वालों को रिप्लाई भी जल्दी से दे पाऊंगा और साथ ही साथ कई लोगों तक पहुंच जाएगा। मेरा क्वेश्चन बस यही रहता है, मुझे जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करता है, कोशिश करता हूँ उसको मैं वीडियो फॉर्म में कई लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि उसका आंसर की जरूरत कई लोगों को होती है। तो दोस्तों RCCAD जो सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन है, इंस्टॉल करिए। आपके पास AutoCAD तो होगा ही, तो उसमें प्लगइन ले लीजिए इसका, और उस प्लगइन को आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कहाँ कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, वहाँ से सॉफ्टवेयर लेके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब सब में, और एनफोर्समेंट स्लैब में भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। वन वे का अलग, टू वे का अलग, वन वे में वन साइड स्पैन आपको करना है, टू वे में टू साइड स्पैन करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ एक चीज और इनको आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज यार अपने क्वेश्चंस लिखा करो। सबके माइंड में क्वेश्चंस तो होते हैं लेकिन लोग लिखते नहीं है। यार जब क्वेश्चन नहीं लिखोगे, मतलब कि जो आप क्वेश्चन ना मुझे व्हाट्सएप पे देते हो, कई लोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप के साथ अगर यहाँ पे भी आप क्वेश्चन लिख दोगे तो इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि मैं तो देखता रहता हूँ अच्छा कौन से क्वेश्चन आए हैं, पहली चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज, कई और लोग भी देखते हैं यहाँ पे जिनको लगता है अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उनका भी नॉलेज बढ़ता है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, जितना ही आप दूसरों को नॉलेज देंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसका मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, मीन्स कॉलेज जो भी होता है, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, और मैं अभी IIT वालों को भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें योगदान जाता है आपके टेक्नोलॉजी का, लाइक इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। और मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार मेरे से काफ़ी लोग सीख रहे हैं, और MTech, PhD सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सब लोग मेरे को हेल्प भी करते हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ और वो मेरे से सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट जरूर किया करो, क्वेश्चन कमेंट करने से बहुत फायदा होता है। और कोई भी क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज़ जय हिंद लिखा करो। जय हिंद लिखने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि यार ये बंदा ना थोड़ा है, मतलब दिल से मिलता है। सो प्लीज़ जय हिंद तो जरूर लिखा करो। चलो बाय बाय।